नमस्कार, मैं किशोर, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से हम आए दिन जो लोगों की समस्याएं जो है वो ग्रामीण इलाकों से दिखाते हैं, लेकिन आज हम आपको जिप पंचायत के अंदर लेके आए हैं। लाने का मकसद ये है कि आए दिन आपने साफ तौर पर देखा है कि जिस तरह से हम गाँव से तस्वीरें दिखाते हैं, कई जगहों पर जो है वो पानी की समस्या बनी हुई है। लेकिन उधमपुर जिला की मैं बात करूं तो उधमपुर जिला में पिछले दिनों आपने साफ तौर पर देखा होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि PMGSY के अंदर जो है हर गांव के अंदर जो है वो रोड की कनेक्टिविटी है। लेकिन इस जिप पंचायत की मैं बात करूं, देखिए यादी के बाद इन लोगों को जरूर रोड मिला है, लेकिन जिस तरह से गाँव के अंदर जानवरों के लिए गलियाँ बनाई जाती हैं जिसे गैल कहा, उस तरह का इस गाँव के अंदर हाल बना हुआ है। तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, देखिए ये जो लोग हैं ये गठे हुए हैं अपनी पीड़ा के लिए रो रहे हैं। पर इनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जब पंचायत या BDC के चुनाव होते हैं या विधायकों के चुनाव होते हैं तो जो विधायक लोग हैं या जो यहाँ के जीते हुए नुमाइंदे हैं यहाँ पर इस गाँव के अंदर जरूर जो है वो झुंड बना के आते हैं। ये जरूर कहा जाता है कि हम आपको वोट देंगे, आप हमें वोट दीजिएगा, हम आपका हर चीज़ जो है वो आपको फैसिलिटी देंगे। लेकिन जहाँ जिस गांव के अंदर रोड जैसी फैसिलिटी नहीं होगी उस गांव का क्या भविष्य होगा। देखिए ये दूर दराज का इलाका है, अगर मैं आपको राकेश को बोलूँगा ये तस्वीरें दिखाएं, देखिए आपको हर जगह पे हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी, इन हरियालियों के बीच आपको घर दिखाई देंगे। और इन लोगों के मुताबिक इनका ये साफ तौर पर कहना है कि आज़ादी के बाद इनकी तरफ से ये कहा गया कि कुछ बुजुर्ग ऐसे भी थे जिनका ये सपना था कि हम इस गाँव के अंदर रोड जैसी फैसिलिटी देखें। लेकिन इस गाँव की मैं बात करूँ और बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि जो DDC चेयरमैन हैं वो भी इसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या उनको पता नहीं कि ये जिब पंचायत के अंदर ऐसा भी गांव है, यहाँ पे आज़ादी के बाद जो है रोड जैसी फैसिलिटी नहीं। गांव की कुछ बच्चियाँ हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बच्चियाँ पढ़ना भी चाहती हैं, स्कूल भी यहाँ से जाना चाहती हैं, लेकिन जब अगले बरसात भी जो है वो आने वाली है, बरसातों के दिनों में किस तरह का इनका हाल रहता होगा ये भी इनसे सीधा बात करते हैं। जी गुड़िया, नाम, गांव का नाम ये बताएं कि क्या दिक्कत बाकी में गांव के अंदर आपको आ रही है। मेरा नाम श्रुति शर्मा है और मैं ठेर नालिया गांव की रहने वाली हूं। और यहां सड़क का काम कब से बंद हुआ है, हमने स्कूल जाना होता है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और जब बारिश पड़ती है तब तो हम घर से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि इधर एक नाल है और उसकी वजह से हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं। और छोटे छोटे बच्चे भी जो स्कूल जाते हैं, हमारे भाई बहन हैं, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बस ये रोड बनना चाहिए। तो ये बताएं कि जिस तरह से ये जब जीते हुए नुमाइंदे आपके पास आते हैं, उससे पहले जब आते हैं उनसे क्या बात होती है, जो आपके घर वाले हैं क्या बोलते हैं, तब क्या वो बात करके जाते हैं? बस वो यही बोलते हैं कि आप हमें वोट दो, हम आपका सारा काम करवा देंगे, हम आपका रोड भी बना देंगे, सब कुछ कर देंगे, और फिर वो दिखते ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये हर गांव से विडंबना जो है वो देखने को मिल रही है। जब हम चुने हुए नुमाइंदों से बात करते हैं, पंच या सरपंच से बात करते हैं, तो उनकी तरफ से ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया जाता है कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं। अगर उन पंच सरपंचों की सुनवाई नहीं है तो आम नागरिक इसके पास जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं कई सालों से अपनी पीड़ा के लिए रो रहे हैं। कुछ और भी बच्ची हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताएँ कि कब से इस तरह का जो इस गांव के अंदर हाल बना हुआ है और क्या अभी तक किन किन लोगों से आपकी जो है वो मुलाकात हुई है इस रोड के बारे में? वैसे तो हम जब से मतलब बड़े हुए हैं तब से स्ट्रगल ही कर रहे हैं कि ये रोड बने। मैं 2013 की बात ही है तो तब भी मैंने बलवंत सिंह मनकोटिया जी को यहाँ पे जो ये यहाँ पे रोड बना हुआ है ये उनकी बदौलत ही बना हुआ है पहली बात तो। और उसके बाद हमने सबसे बात की, जैसे हमारे चेयरमैन सर हैं, हमारी DDC मैडम है, सबसे बात की, सबने इंस्पेक्शन भी की, ये नहीं है कि कोई आया नहीं देखने, बस यहाँ तक इंस्पेक्शन की आधे रास्ते तक, पूरा तो किसी ने आज तक देखा ही नहीं है कि हमारे लोग कहाँ कहाँ रहते हैं। तो इसलिए फिर हम यही चाहते हैं कि हमारा जो रोड है ये जल्दी से जल्दी बन जाए। यहाँ पे एक पुल है, जब बारिश के दिन आ जाते हैं, अभी जैसे जुलाई का मंथ आएगा, अगस्त का मंथ आएगा, तो वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। तो अगर कोई बीमार इस गांव के अंदर हो जाए तो उसको किस तरह से लेते हैं? अभी रिसेंटली मेरी दादी जी बीमार थे तो हमें पता है कि कितना मुश्किल हुआ उनको। सुबह हम 5 बजे जब लेके जाते थे हॉस्पिटल, उनकी अपॉइंटमेंट होती थी डॉक्टर से, तो उनको ऐसे उठा उठा के लेके जाना पड़ता था, इतनी ज़्यादा मुश्किल हमें आती है। हमारी एक बच्ची है छोटी सी, स्कूल जाती है 2 किलोमीटर चल के जाती है वो, और आते तक उसे बेचारी को होश ही नहीं रहता है। हम तो चलो जैसे भी पढ़े, बट आगे जो फ्यूचर में बच्चे जो पढ़ रहे हैं इनको कितनी मुसीबत है, बर्डन इतना है, तब भी ये बच्चे इतना पैदल चल के जाते हैं। देखिए ये कल के भविष्य हैं और इनकी जवानी आपने खुद से सुनी और इनकी तरफ से ये कहा गया कि जब
इस गांव के अंदर कोई बीमार हो जाता है, और हमारे पास कई गांव से ऐसी भी तस्वीरें आती हैं जो पुराने ज़माने में होता चार पाइयों पे उठा के ले लिया जाता था, लेकिन फिलहाल इस गांव के अंदर इस तरह का इनकी तरफ से कहा नहीं गया, और इनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है इसी तरह का जो है वो इस गाँव के अंदर हाल बना हुआ है। लेकिन विडम्बना इस बात की है, अगर वहाँ पर जो लोग हैं बोर लेने के लिए यहाँ पे झुंड बना के आते हैं, अगर बैक टू विलेज वन की मैं बात करूँ, सेकंड फेज जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, थर्ड फेज हुआ, फोर्थ फेज हुआ, क्या वहाँ पे ये भी मैं आपसे जरूर, बैक टू विलेज आपको पता है, बैक टू विलेज भी हुआ, क्या उसमें आपकी तरफ से ये आपकी जो यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे उनने इस मांग को रखा वहाँ? हाँ बिल्कुल रखा, मेरे पापा जी खुद भी पंच हैं, इसके पहले मेरी मम्मा भी पंच थे, मम्मा ने बहुत बार रखा और मेरे पापा जी ने भी, उसके बाद हमारे सरपंच जी तो जानते ही हैं सारी सिचुएशन, और जब भी हमारे यहाँ इलेक्शंस वगैरह होती हैं आते तो हैं ही यहाँ, जानते तो हैं ही, और लोकल ही हैं, DDC चेयरमैन भी तो लोकल ही हैं यहाँ के, अगर बाहर देखा जाए तो इतनी न्यूज़ है, इतना कुछ है, हम भी सुनने को मिलता है यार तुम्हारे DDC ने ये करवा दिया वो करवा दिया, पर हमारा तो कुछ नहीं है। देखिए अब उन लोगों को पता होगा जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम कुछ उन पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हमारा यही मकसद है कि इन लोगों को अगर रोड होता तो आज ये सड़कों पर नहीं, और जब जब भी हमने इनको देखा है इनकी तरफ से ये भी कहा गया, आज भी हमने ये देखा कि ये DDC महोदय कार्यालय के भी बाहर भी बाहर गए थे, कहीं उनसे भी ये मिले हैं, लेकिन कब तक? अयादी के पास जहां रोड जैसी फैसिलिटी नहीं होगी वहां का बच्चा कैसे पढ़ेगा लिखेगा, और हर माँ बाप का ये सपना होता है कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे कुछ बने, यहाँ पे बच्चों को साथ साथ उनके परिजन जो है उनको छोड़ने के लिए आते हैं, और आज के दौर में आप देखें तो बच्चों को जो पढ़ाई है उन पे बैग आप देखिए 5 से 6 किलो में जो उनकी किताबें उसमें बैग में भरी होती हैं, लेकिन यहाँ बच्चे इस तरह का, जिस गांव के अंदर, ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं, ये मात्र उधमपुर से 15 से 16 किलोमीटर का दूरी का इलाका होगा, यहाँ पे इस तरह का जो है वो हाल बना हुआ है। कुछ नौजवान भी हैं, ये कल के भविष्य हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्या आर पार आप देखते हो, खबरें भी सुनते होंगे कि ये कहा जा रहा है कि उधमपुर ज़िला में सबसे ज़्यादा जो सड़कें हैं वो उधमपुर ज़िला के अंदर निर्माण हुआ है, क्या वाकई में इस तरह का जो आप देखते हैं कि आपके गाँव में आज़ादी के बाद जो है वो रोड जैसी फैसिलिटी? सर आज़ादी के बाद हमारे गाँव में तो मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं है, 22 साल की मेरी अपनी उम्र है, मैंने जो जैसा देखा था वो अभी तक वैसा ही है, बाकी मैंने सुना है पहाड़ी इलाकों में हर जगह सड़क पहुंच गई है, लेकिन हमें इधर ये कहीं पे भी ऐसा कुछ दिखा नहीं है सर। वोटिंग टाइम सब आते हैं वोट मांगने, लेकिन वोट के जब जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुई कोई दिखता ही नहीं है सर, कौन कहाँ गया कुछ, अगर उनसे बात करने की कोशिश करो तो वो बोलते हैं हमारा उधर प्रोग्राम चल रहा है, उधर चल रहा है, लेकिन इधर कोई आता ही नहीं है सर। उम्मीद है कोई? सर उम्मीद तो अब तो हम हार बैठे हैं ना, अभी हमें किसी पर विश्वास नहीं है सर, अभी ऐसा ही हो सकता है कि अगर ये हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा, हमें स्ट्राइक करनी पड़ेगी सर। देखिए उम्मीद पे कायम है, उम्मीद हर किसी को होती है कि हर कोई ये चाहता है कि हमारा उधमपुर शहर स्मार्ट सिटी बने, लेकिन शहर की भी हालत आपके सामने है, वो भी हम आपको आए दिन दिखाते हैं, वहाँ भी जो लोग हैं वो अपनी पीड़ा के लिए कई दिन से रो रहे हैं, लेकिन गाँव की मैं बात करूँ, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जब से ये पंच सरपंच बनाए गए हैं पंचायतों को पूरी तरह से मजबूत किया जाएगा, पंचों को पावरें दी जाएंगी, लेकिन जब पंच के पास हम वाक्य जब हम ग्राउंड पे आते हैं, जब हम पंच से या सरपंच से बात करते हैं तो उनकी तरफ से ये पूरी तरह से कहा जाता है कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं, अगर उनकी सुनवाई नहीं है तो आम जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, और कुछ और भी लोग हैं इनसे भी बात करने की कोशिश, महिलाएँ हैं इस गाँव की इनसे भी बात करेंगे, क्या दिक्कत आपके बच्चों को सुबह यहाँ पर आती है और आपको क्या दिक्कत आती है जब आप शहर की तरफ जाते हैं? दिक्कत तो बहुत आती है हमें जी, लेकिन जब बच्चे मतलब छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने तक तो 10 बार वो गिरते हैं जी, तो उनकी यूनिफॉर्म तो गंदी होगी होगी, बारिश होगी तो जब घास होगा, अब बच्चे छोटे भी हैं, जो बड़े बच्चे हैं वो चाहते हैं कि हम दौड़ लगाने जाएं, तो रास्ते में इतने इतने बड़े सांप होते हैं, तो घास इतना बड़ा था, 2 महीने के बाद कोई आए तो घास मतलब कि चीते भी होते हैं, जंगल जैसा झाड़ जैसा बना है, रास्ता थोड़ा बहुत रास्ता तो हमें मिलना ही चाहिए, तो मुर्दा तो बहुत कुछ है हमारे घर, मतलब कोई पानी भी नहीं है, रोड भी नहीं है, लाइट भी नहीं है पूरी, मतलब है तो बड़ा कुछ है लेकिन ज़्यादा जो मुद्दा है ना वो रोड का है, रोड बनना चाहिए। गाँव में आप गाड़ी देखना चाहते हैं? हाँ बस देखिए ये भी बीमार हो जाता है ना, जब मैं बीमार थी 8-9 महीने हो गए तो छोटे बच्चों ने मुझे 4 पाई पे उठा के घर तक पहुंचाया था, तो मैंने सोच लिया था कि अगर रोड बनेगा
तो ठीक है, नहीं मैं तो जब जैसे कैसे होगा हमने तो गुजारा कर लिया, लेकिन छोटे बच्चे जो हैं वो कैसे गुजारा करेंगे, जो पीछे पीढ़ियाँ वो चली गई हैं रोड का सपना देखते देखते, वो नहीं अभी कोई भी नहीं बचा, हम बचे हैं तो हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो क्या करेंगे आगे जाके, तो कहाँ जाएंगे, मान लीजिए 5 मिनट का रास्ता होगा तो सभी गांव में जाते हैं, किसी के गली में जाते हैं तो देखते हैं इतना अच्छा रोड है, इतनी अच्छी गली है। क्या इस गांव को लोग छोड़ के भी जा रहे हैं? हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो छोड़ के जा रहे हैं, जिनके पास पैसा है वो चले गए, वो जा रहे हैं, तो जिनके पास नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे। देखिए ये हकीकत है, ये सिर्फ इस जिब गाँव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ या इस पंचायत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हर गाँव का, हर जो दैड़ी मजदूरी का भी कार्यकर्ता होगा उसका भी यही सपना है कि हम बच्चों को पढ़ाएं। देखिए ये बुजुर्ग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करें, आगे आए ना सुनाओ अपना दे, ये सुनाओ कि सोचता कि ग्रां च कोई गड्डी देखी आऊं दे, किन्नी उम्र है थोड़ी? दिल च है गड्डी दिखी रोड दिल च बड़ा किश होंदा वो इत्थे नहीं वो बाहर चलदा किश वी केह करदा है गड्डी दिखी दी हां गड्डियां तो बड़ियां दिखियां रस्ते जांदे दूरा दिखिया। देखिए ये इस गांव के बुजुर्ग हैं और इनका भी यही कहना है कि हम भी इस गांव के अंदर गाड़ी देखना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जो गाड़ी देखना भी चाहते थे, उनका सपना था लेकिन जो सपना है वो पूरा नहीं हुआ, अब आने वाले दिन बताएंगे। नौजवान और भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्या पढ़ लिख के भी क्या इधर रह के पढ़ लिख के भी अनपढ़ हैं हम, अगर इधर रह के भी इस गांव के लिए अगर कुछ नहीं कर पाएंगे ना तो फिर हमें अनपढ़ ही अनपढ़ से भी ज़्यादा समझेगा कोई, क्योंकि आज तक हमने जैसे था ना वैसे वैसे का वैसा ही देखा है, आज तक कोई सुधार कोई कुछ नहीं हुआ इधर, बड़े बड़े लोग आएंगे जब वोट मांगने के लिए देखेंगे ना तो लोग गिन गिन के नहीं इधर ख़त्म होते, लेकिन जब अपना काम निकल जाएगा ना फिर इधर कोई भी नहीं दिखेगा। क्या कहने का मतलब है, झुंड बना के आते हैं? झुंड बना के ही आते हैं, लेकिन हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर कल को जब बरसात आती है ना, एक बारिश होगी, ठीक है, आपने सिर्फ जो भी वोट मांगने आएगा ना इधर, आपके माध्यम से हम बोल रहे हैं, जो भी इधर वोट मांगने आएगा, एक बरसात की बारिश होगी ना, इधर से अंदर आना, आपने मीडिया को साथ लेके आना, फिर ग्राउंड रिपोर्ट बाहर जाएगी, इधर क्या हालत है, एक्चुअल कंडीशन फिर पता चलेगी, बाहर से कोई नहीं देखेगा, बाहर से सारे देखते हैं फिर बोलते हैं कि उधर जाओगे, लोग ऐसे बोलते हैं ऐसे करते हैं, अरे आपने लोगों को बनाई ऐसे रखा है तभी लोग बोलते हैं, ऐसे कैसे बोलते हैं, हर एक जगह पे काम हो रहा है, हमारे DTC साहब हमारे अपने हैं इधर के हैं, तो अगर उनको पता है कि सारी सिचुएशन उनको पता है कि वो क्यों नहीं हल कर रहे हैं, फिर हमें पता चले ना क्यों नहीं हल कर रहे हैं, अगर बाकी हम देखेंगे न्यूज़ देखते हैं हम बड़ा कुछ देखते हैं, भाई उन्होंने इधर ये किया उन्होंने उधर वो किया, हमारी BDC मैम है उन्होंने इतने अच्छे काम किए लोगों के, लेकिन हमारा भी तो होना चाहिए ना, हमारा भी होना चाहिए ना काम, हमने भी वोट दिए आपको, कल को आप दोबारा वोट मांगने आओगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे कि आप इनको जिताओ आप इनको वोट करो सपोर्ट करो, हम खुद करेंगे, लेकिन हमारा ही काम नहीं होगा तो हम आगे क्या बताएंगे, हम आगे क्या करेंगे। बिल्कुल, देखिए हम भी यही अपने ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से यही कहेंगे कि अगर इन लोगों ने आपको नुमाइंदे वोट दिए हैं, आपको जीत के यहाँ से भेजा है, तो हमारी भी यही गुजारिश है कि आप जो इनके काम हैं उनको ज़रूर देखें, लेकिन रोड एक ऐसी फैसिलिटी है जो हर कोई चाहता है, पानी की समस्या हो तो जो महिलाएं हैं आज भी हमने देखा कि वो पुराने ज़माने में बोरियों की तरफ रुख करती हैं, लेकिन यहाँ पे उसी तरह का हाल कुछ बच्चियां हैं, इनसे भी स्कूल की बच्चियां हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा क्या दिक्कत आपको स्कूल में, जब आप स्कूल के लिए जाते हैं क्या दिक्कत आती है? हम स्कूल जाते हैं वहाँ पे एक नाला है, तो हम जब स्कूल जाते हैं वहाँ पे पानी होता है, मेरी पूरी यूनिफॉर्म भर जाती है, स्कूल से डांट पड़ती है हमें कि आपकी यूनिफॉर्म क्यों भरी हुई है, तो कई बार तो हमें घर भेज देते हैं कि घर जाओ, इस कारण चाहते हैं हमारा रोड बन जाए। तो एक तरफ ये भी कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पे बेटियों को हर एक चीज़ की फैसिलिटी दी जाए, लेकिन आज बेटियाँ खुद जो है वो सड़कों पे क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि हमारी सड़क बन जाए, और यहाँ पे जब हम जाते थे ना स्कूल जाते थे छोटे होते जाते थे, एक बार तो मेरे को लगी थी मैं गिर गई थी। और भी महिलाएं हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे कि आज भी जो है अब अपनी जो एक आज़ादी के बाद अपनी पीड़ा के लिए रो रही हैं, रोड जैसी फैसिलिटी गाँव के अंदर नहीं है। बीच बोलते हैं कि देश आज़ाद हो गया, देश आज़ाद है, मगर हम आज़ाद नहीं हुए, हम गुलाम ही हैं, ठीक है नहीं, हमारे बच्चे ही नहीं आगे वो जा रहे हैं, जब भी कहीं पेपर होता है तो हमारे बच्चे रह जाते हैं, कभी बारिश होती है तो हमारे बच्चे तो रह ही जाते हैं, हमने तो कर लिया टाइम पास, मगर हमारे बच्चे क्या करेंगे, ठीक है नहीं, कभी भी भर्ती होती है तो हमारे बच्चे टाइम से पहुँचते ही नहीं है, कोई पेपर नहीं दे सकते, कोई कुछ नहीं दे सकते, ठीक है नहीं,
लेकिन सरकारें ये कहती हैं कि हम गरीब लोगों तक हर चीज़ की जो फैसिलिटी दे रहे हैं, क्या अभी तक तो कोई इधर मिनिस्टर तो कोई पहुंचा ही नहीं। और तो क्या, वो सरपंच आते हैं वोट लेके चले जाते हैं, वो भी नहीं पहुंचते, वो भी नहीं देखते कि लोग कहाँ रह रहे हैं हमारे। क्या बोलते हैं जब आप इधर, हमको वोट दो तो हम आपका कुछ बनाएंगे, तो बनाता कोई नहीं है। तो हम भी जाते हैं आगे तो बोलते हैं आएंगे आएंगे। दो बार तो हम इधर गए भी कि हमारे जाओ देखो हमारे बच्चे कैसे आते हैं, तो वो आता ही नहीं कोई भैया। तो अभी आपके माध्यम से हम बोलना चाहते हैं कि हम इसे किसी को शिकायत नहीं है, मगर हमारे बच्चों को देखो, हमारे आगे अगर ये जनरेशन नहीं आगे जाएगी तो क्या करेंगे, देश कैसे आगे बढ़ेगा? अगर बच्चे ही नहीं आगे जाएंगे तो देश को कैसे ले जाओगे? सिर्फ शहरों को ही देखना है। देखिए ये सही बात है कि हर ये माँ बाप का सपना है कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे कुछ, लेकिन गांव के अंदर एक और चीज़ देखने को मिलती है कि हर कोई ये चाहता है हमारा बच्चा जो है वो मिलिट्री में ऐसी जॉब की तरफ जाए, वहाँ पे दौड़ने की जगह हो, लेकिन इस गांव के अंदर इस तरह का जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। हम खुद आपको ग्राउंड हकीकत दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं कि एक तरफ स्पोर्ट्स में एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हम स्पोर्ट्स में अलग अलग जो फैसिलिटियाँ बच्चों को जो गाँव के अंदर दे रहे हैं, और ये भी हमने देखा कि कुछ ऐसी भी पंचायतें हमने देखा, ये नहीं कह रहे हैं हम पंचायतों के अंदर काम नहीं हो रहा है। हमने आपको बाटा पंचायत की तस्वीरें दिखाई थी, वहाँ की जो सरपंच महिलाएं थी उसकी तरफ से एक जो अनोखा तरीका जिम आया था, बच्चों के लिए ओपन जिम खोली थी, अपने फंड से उन्होंने पैसा लगाया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारे गाँव का बच्चा पढ़ेगा वहाँ पर खेलेगा तो वो जो बच्चा है वो नशे की तरफ नहीं भागेगा, लेकिन यहाँ पर इस तरह का जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए ये बुज़ुर्ग हैं, इनका सपना होगा कि हम आप इस गांव के अंदर रोड देखेंगे। इनसे ही बात करेंगे, कितनी आपकी उम्र है? कभी सोचा था कि 75 साल उम्र है, तो 75 साल से इसी तरह का हाल जो गांव के अंदर बना हुआ है? नहीं, थोड़ा बहुत तो सुविधा है जी पहले से, मगर जितना बनना चाहिए था उतना नहीं बना है। कहने को तो कह बड़ो बहुत कुछ कहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, जब करने की बारी आती है तो कोई भी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। उम्मीद है? उम्मीद क्या है, अच्छा क्या उम्मीद रहता है जब, तो अभी 20-30 साल हो गए मेरे को देखते हुए, अभी मैंने नहीं छोड़ दी है। क्यों? आज ये कहते हैं यहाँ एक जानदीगार बना रहे थे, यहाँ जगह नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा है। मैंने ये खुम्बा खरीदा हुआ उनको दिया, उन्होंने जानदीगार नहीं बनाया आज वो, और पता नहीं कहाँ। क्या मानते हैं कि राजनीति का शिकार आपका गाँव हो रहा है? ये राजनीति है, क्योंकि राजनीति है। आज कहते हैं ये हम कल आ रहे हैं, जब इलेक्शन आएगी यहाँ इंजीनियर भी आ जाएंगे, फीते मारेंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे, जब इलेक्शन ख़त्म हो जाती है बस इतना ही है। देखिए ये बुज़ुर्ग हैं और इनकी कहानी आपने सुनी, इनकी तरफ से जगह भी जो है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जा रही है कि जो शहरों के अंदर फैसिलिटी है वो गाँव के अंदर मिले, लेकिन अब कमियां कहाँ रह रही हैं ये हम जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ के जीते हुए नुमाइंदे हैं जो गहरी नींद में सोए हैं उनको भी जागने की ज़रूरत है, क्योंकि जागना उनको इसलिए है कि 21वीं सदी, बार बार हम इसलिए कह रहे हैं, एक तरफ ये केंद्र सरकार ये कह रही है कि उधमपुर ज़िला पहले नंबर पर है जहाँ पर PMJSY के अंडर हर गाँव के अंदर सड़कें पहुँचा दी गई हैं, बाकी मैं पहुँचाई भी गई, लेकिन यहाँ पे बाकिया ये जो गांव है ये राजनीति का शिकार हो रहा है। यहाँ से ये रोड इंटर होता है वहाँ पे 3 से 4 घर ऐसे हैं, इनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है, उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि आप वहाँ पे जो काम है उसका जो निर्माण है वो शुरू किया जाए, हम इस तरह का कोई रोक टोक नहीं करेंगे। लेकिन अब कमियाँ कहाँ रह रही हैं, हम इससे DDC जो चेयरमैन हैं लालचंद जी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये बुज़ुर्ग हैं, हम बार बार इसलिए कह रहे हैं, लोगों के चेहरों में मायूसी भी है, अगर दोपहर का वक्त चल रहा है और दोपहर के तपती गर्मी में जो लोग हैं ये बाहर निकले हैं, इसलिए निकले हैं इनकी कोई पीड़ा है, अगर कोई जिसकी पीड़ा नहीं होगी वो अपने AC रूमों के फैन के नीचे सोया होगा, लेकिन हम भी इस वक्त जो है वो इस गाँव के अंदर पहुँचे हैं, ग्राउंड हकीकत दिखा रहे हैं। महिलाएँ तपती गर्मी में उधमपुर शहर के अंदर DC कार्यालय के अंदर भी ये मिलने गए थे, वहाँ भी अपनी पीड़ा ये सुना के आए, लेकिन अब ये पीड़ा यहाँ पे सुना रहे हैं कि अभी तक इस गांव के अंदर कोई भी जो फैसिलिटी है रोड को छोड़कर जो
गांव के अंदर समस्या होती हैं वो इन लोगों को जो है अभी तक उनका जो निपटारा वो नहीं मिला है। क्या कहेंगे, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी बात की जाती है कि बेटियाँ पढ़ेंगी, और आपका सपना क्या था इस गाँव को लेकर, क्या बाकी इस गाँव में हर बच्चा ये चाहता है कि हम पढ़ें लिखें कुछ अफसर बने, क्या इस तरह का हाल है ये? सपने तो बहुत थे एक्चुअली, मैं यहाँ नहीं पढ़ती हूँ, मैं अभी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पढ़ती हूँ। जब भी मैं यहाँ से जाती हूँ तो यही उम्मीद लेके जाती हूँ कि आते तक कुछ अच्छा हो जाएगा, यहाँ पे बातचीत करके जाती हूँ, लेकिन आने तक देखती हूँ कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे रिसेंटली लालचंद जी से भी बात करके गए थे, उन्होंने बोला बेटा कोई बात नहीं हो जाएगा, फिर ये जो बड़े लोग होते हैं फिर कौन से फ़ोन उठाते हैं, ना तो बात करते हैं ना ही बताते हैं। देखो अब हमने उनको भी देख लिया, अभी हम ADDC सर से बात करके आए हैं, उन्होंने हमें 2 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया है, तो अगर 2 मंथ्स में अगर वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर हमारे पास स्ट्राइक के सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि फिर यही हमारा एक लॉस्ट ऑप्शन है कि हम स्ट्राइक कर लेंगे। फिर अभी तो किसी ने सुना ही नहीं, आज दिन तक हमारी बात सुनी नहीं किसी ने, आज हमारा ये लास्ट होप था, तो चलो अब देखते हैं। अब उम्मीद है आपको भी अगर आप उम्मीद तो है ही, पहले भी थी लेकिन हुआ कुछ नहीं, अब भी देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी। देखिए इंतजार है, इंतजार की घड़ियाँ कब ख़त्म होंगी ये आने वाले वक्त बताएगा। 2 महीने जो DC कार्यालय के अंदर ADC हैं उनकी तरफ से दिया गया है, और 2 से 3 महीने के बाद इलेक्शन भी जरूर होंगे। फिर भी डोरे जो इस गांव के अंदर झुंड बना के आधी रात हो तो घरों के अंदर आ जाते हैं, हमें वोट दीजिएगा। मैं एक बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे यहाँ के मेंबर्स हैं, लाइक DDC मेंबर्स जो भी हैं, और DDC चेयरमैन सर तो चलो इंस्पेक्शन करके गए हुए हैं, लेकिन मैं ये मीडिया के माध्यम से अपनी DDC मैडम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैम प्लीज़ आप आके ये तो देखिए कि मेरी वार्ड है कहाँ तक। उनको एक्चुअल में यही नहीं पता है कि मेरा एरिया है कहाँ तक। अगर उनसे कोई बात करता है तो वो सिर्फ यही एक्सप्लेन करती हैं कि बेटा जितना मेरा एरिया है मैं उतना काम कर दूंगी, बट ये कोई उनका बहाना नहीं है, उनको तो एक्चुअल में पता ही नहीं है मेरा एरिया है कहाँ तक। ये बात कब पता चली? रिसेंटली 2 या 3 दिन हुए हैं, मेरे साथ मेरे घर वाले भी थे और भी मोहल्ले के लोग थे, हमारी फ़ोन पर ही बात हुई है। मैम को यही नहीं पता है कि उनके जो पंच हैं, वार्ड के पंच हैं, उनका घर कहाँ है। मेरे पापा जी पंच हैं, उनको यही नहीं पता है कि हमारे पंच जो हैं उनका घर कहाँ है, या हमारे और भी जो लोग हैं, और भी जो उनको वार्ड नंबर 9 कहाँ तक है, उनको यही उनको एरिया ही नहीं पता। मेन बात ये देखिए, त्रुटियाँ हर जगह पे हैं, और अब यहाँ की जो DDC मेंबर हैं उनको ये इनकी तरफ से कहा गया कि उनको पता नहीं है मेरा वार्ड कहाँ तक है। अब हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वाकई में उनको पता नहीं है, अगर पता नहीं है तो हम यही कहेंगे कि एक बार उन गाँव का दौरा किया जाए कि वहाँ के जो गाँववासी हैं वो काफ़ी परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं कि गांव के अंदर रोड जैसी फैसिलिटी नहीं है, और बड़ी बात हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि कोई ये दूरदराज का इलाका नहीं है। देखिए हर जगह पे हरियाली है, और हरियाली के बीच लोगों के मकान है, और आए दिन हमने ये भी देखा है कि कई लोगों की तरफ से ये भी किया जाता है कि ज़मीनें नहीं दी जाती, और इनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हम ज़मीनें भी अपनी जो हैं वो दे रहे हैं, दी भी हैं, और फिर भी कहाँ कमियाँ रह रही हैं ये अब आने वाले दिन बताएंगे। और हमारा ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का भी यही मकसद है, हमारा हर बार हम जो है वो गांव की जो तस्वीरें हैं वो गुलिस्तान के माध्यम से दिखाते हैं। लेकिन आज के इस अंक में बस इतना ही, मुझे और मेरे कैमरामैन राकेश वड़ियाल को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।